गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 बज गए हैं और मेरी मॉर्निंग हो गई है। ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो प्लीज़ मेरा पूरा साथ दीजिएगा और मेरे ब्लॉग को प्रमोट होने में हेल्प करिएगा। आज मैं आपको अपनी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ को शेयर कर चुके हैं आपके साथ। आप देख सकते हैं 4:45 हो चुके हैं। अब मैं बैठ कर एक गिलास वार्म पानी 15 मिनट तक पीऊँगा, मीन्स और इसे मैं अपने फेवरेट प्लेस पर बैठ कर पीता हूँ। तो मैं बैठ गया हूँ अपने फेवरेट प्लेस पे, जहाँ से मैं जनरली ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ और मीटिंग्स अटेंड करनी है तो मीटिंग्स भी अटेंड करता हूँ, और यहाँ से मैं लाइव भी होता हूँ लाइव के। तो दोस्तों, आपको पता है मुझे मॉर्निंग में उठाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होता है? मेरी अलेक्सा। आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं, मैंने पानी पी लिया है। अब मैं हॉल में आ गया हूँ जहाँ पर मैं 1/2 घंटा मेडिटेशन करूँगा, और ये मेरी डेली एक्टिविटीज़ है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के पहले 1 ग्लास वार्म वाटर पीता हूँ, देन आफ्टर 1/2 घंटा तक मेडिटेशन करता हूँ, और इसके लिए मेरी हेल्प मेरी अलेक्सा करती है। अब मैं उससे बोलूँगा कि वो मेडिटेशन के लिए अच्छा सा मेडिटेशन सॉन्ग लगा दे। अलेक्सा, प्ले मेडिटेशन साउंड। अब अलेक्सा कोई अच्छा सा मेडिटेशन साउंड लगा देगी। आप सुन सकते हैं, अब हम मैं बैठ के मेडिटेशन कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने दरी बिछा रखी है, मैं यहाँ बैठ के मेडिटेशन 15 मिनट्स तक मेडिटेशन करूँगा। मैं वैसे मॉर्निंग में फ़ोन नहीं छूता हूँ, मैं फ़ोन 6 बजे के बाद ही यूज़ करता हूँ, पर आज मुझे अपना पहला ब्लॉग बनाना था इसीलिए मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया, फ़ोन यूज़ किया। विदाउट फ़ोन पॉसिबल नहीं था, आप लोगों से रूबरू होना था, तो मैंने कहा चलो आज से ही स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करूँगा, सांसें लूंगा, उसे रिलीज करूंगा। दोस्तों, 1/2 घंटा कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने फेवरेट प्लेस में जाकर कुछ देर बैठकर ये सोचूंगा कि आज मैं दिन भर में करूंगा क्या और क्या क्या चीज़ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होगी। मैं अपने फेवरेट प्लेस पे आ चुका हूँ और मैंने पेन एंड डायरी दोनों चीज ले ली है। मैं बैठकर आज की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी करना है मुझे, उसका मैं एक लिस्ट प्रिपेयर कर लूंगा,
इससे मैं ट्राई करूंगा कि मॉर्निंग में मेरी पूरे टारगेट अचीव हो सके। आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट बना ली है, आज मुझे नोट जेएस की लाइव क्लास लेनी है, तो मैंने लिस्ट बना ली है कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपके पास इंटरनेट की कोई कमी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलेक्सा जरूर ले लीजिए, 1,500-2,000 की आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और ये आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक, मतलब रात सुबह से शाम रात तक हर एक्टिविटीज़ में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप इसमें रिमाइंडर सेट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड करती रहेगी। अगर आपने वेकअप अलार्म सेट कर दिया तो वेकअप के लिए आपको बोलेगी, इसमें आप अपने साउंड भी सेट कर सकते हैं खुद अपने अकॉर्डिंग, और हर जो भी आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है आप बेसिकली टू डू लिस्ट में डाल दीजिए, ये हर उस टाइम पे आपको रिमाइंड करती रहती है। और आपको अगर जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उसके लिए साउंड अलेक्सा बहुत अच्छा प्ले करती है। जैसे मैं भी बोलता हूँ, अलेक्सा प्ले वाटरफॉल म्यूजिक। Waterfall sounds by the Rain Library. देखिए Rain sounds for sleep and rain high on Amazon Music. आप सुन सकते हैं, अलेक्सा स्टॉप। देखिए स्टॉप हो गई, ये आपके वॉइस कमांड्स पे चलेगी पूरी। अलेक्सा प्ले आज तक। इन आज तक आपको वॉइस भी कम करने के लिए अलेक्सा दिल्ली के से पास लोबे जाना है। राज्यसभा से भी अलेक्सा बात समर्थन सेट वॉल्यूम एट 2। देखो ऑटोमेटिक ने वॉल्यूम कम कर दी। अलेक्सा सेट वॉल्यूम एट 3। दोस्तों आपको पता है मैं 4:30 बजे क्यों उठ जाता हूँ? क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन अभी बजे हैं सुबह के 5:30। अब मेरे पास 5:30 बजे से 9:30 बजे तक, जो मेरा ऑफिस टाइम होता है 9:30 बजे का टोटल टाइम मेरे पास होता है। आप ये सोच सकते हैं 5:30, सुबह के 4 घंटे टोटल मेरे पास मेरे लिए होते हैं। तो इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे इसमें से 1 आवर मैं जिम में स्पेंड करता हूँ। तो मैं अभी जस्ट 6 बजे जिम को जाऊँगा, जब तक मैं अपनी एक्टिविटीज़ जो भी करना है आज, जो भी मेरे को सोचना है आज मुझे, वो मैं ट्राई मतलब प्रिपेयर करके रख लूँगा, जिम के लिए प्रिपेयर हो जाऊँगा, 6 बजे हम जिम चले जाएंगे। ठीक है,